जनमा जनमा मोह दीजियो, श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वन जारी, यमुना तीर वन जारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 राधा माधव राधा माधव राधा माधव जगन्नाथ जगन्नाथ बलभद्र जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलभद्र जय सुभद्रा, हाँ रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा कृपया भी रामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। सियाराममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जोग पानी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावूं तासु कृपा नीर मलमति पावूं मनोजवम्मा रुततुल्य वेगम जितेन्द्रियंबो धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
करहूं कलश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउ रघुवर विमल जसो जो दायक फल जाए। हरे कृष्णा हरे का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्री राम कथा के इस सप्तम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। समस्त जगत को आनंद देने वाले परम करुणा वरुणालयी मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन राम, गत सत्र में अनेक राजा महाराजाओं का अभिमान तोड़कर हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शिव धनुष को उठाकर, शिव धनुष को तोड़कर मानो भगवान श्री रामचंद्र ने जनक और सुनैना की चिंता तोड़ दी। शिव धनुष टूटा मानो जनकपुर में रहने वाले समस्त नगरवासियों की चिंता टूट गई। अनेक लोगों की शंका टूटी और भक्तों शिव धनुष टूटते ही संतगण कहते हैं मंदोदरी की चूड़ी टूट गई। रावण के मृत्यु का दिन नक्की हो गया। भगवान श्री रामचंद्र के गले में वरमाला डाली गई। जनकपुर में सब लोग प्रसन्न है। राजा दशरथ को बुलाया गया। भरत एवं शत्रुघ्न आए हैं। जैसे संसार में लोक रीति से शास्त्र विधि से विवाह होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र का विवाह किया गया। चारों भाई का विवाह तय हुआ। विवाह की तिथि का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं मंगलमूल लगन दिनुआवा ही मरितु अगहनु मासु सुहावा। मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष एवं पंचमी तिथि के दिन चारों भाई बहुत सुंदर बरात लेकर राजा जनक के वहां जा रहे हैं। जब बरात तैयार हुई तब बहुत बड़ा प्रश्न उठा, राम को कैसे घोड़े पर बिठाया जाए, क्योंकि दुल्हे राजा घोड़े पर सवार होकर जाते हैं। रामायण में यह प्रश्न उठाया गया।
बराती कहने लगे, राम के लिए कैसा घोड़ा लेकर आऊं? तब कुछ लोगों ने कहा, राम के लिए बड़ा चंचल घोड़ा लेकर आना, क्योंकि ये राम बेचारे सीधे सादे भोले भाले, इसलिए सीधे सादे भोले भाले के लिए चंचल घोड़ा जो है बहुत उपयुक्त होगा। अतः राम के लिए चंचल घोड़ा होना चाहिए। जब इस प्रकार से नगरवासियों ने कहा, तब गोस्वामी जी अपनी कलम चलाते हैं। प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो और आपको चंचल घोड़े की आवश्यकता है। प्रभु आप उस चंचल घोड़े को कहीं ढूंढने मत जाइए, ये मेरा मन रूपी घोड़ा बहुत चंचल है, अतः आपको चंचल घोड़ा ही चाहिए तो मेरे मन रूपी घोड़े पर आप सवार हो जाइए और मुझे परम पावन कर दीजिए। मेरा मन मेरे वश में नहीं है, चंचलम ही मनः कृष्ण। इस संसार में प्रायः सब लोग मन के कारण ही दुखी है। मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, अनेक विचार उत्पन्न होते हैं और मन ही संसार के लोगों के लिए बंधन का कारण बन जाता है। यद्यपि यह मन बहुत सूक्ष्म वस्तु है, इसको देखना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, परंतु इसका वेग चंचल घोड़े की तरह बहुत तेज गति से दौड़ता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, ये मन ही मनुष्य के लिए बंधन का कारण है। यदि इस मन को हमारे वश में कर लिया जाए तो हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, और यदि हमारा मन हमारे वश में नहीं है तो अधोगति में फंस जाते हैं। अतः मन को वश में करना चाहिए। तब गोस्वामी जी कहते हैं, मन को यदि वश में करना चाहते हो तो ज्यादा प्रयास मत करो। कुछ लोग मन को वश में करने के लिए योगा करते हैं। आजकल के शारीरिक व्यायाम करने से मन वश में नहीं हो सकता है। यदि वास्तव में नित्य निरंतर मन को वश में करना चाहते हैं तो इस मन के ऊपर भगवान को बिठा लेना चाहिए, क्योंकि मन सुंदरता को ढूंढता है और इस जगत में भगवान से सुंदर और कोई नहीं है। अतः भगवान का स्मरण करके, भगवान की कथा का स्मरण करके हमें हमारे मन को वश में कर लेना चाहिए। भक्तों, मन को वश में करने का सबसे अच्छा तरीका यदि कोई है तो वह भगवत कथा का श्रवण। अन्य अनेकों साधन करोगे, मन वश में होगा या नहीं संदेह है, लेकिन हृदय पर हाथ रखकर कहो, आप कथा मंडप में बैठे हो, भगवत कथा सुन रहे हो, मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा हुआ है, घर भूल गए हैं, बच्चों को भूल गए हैं, क्या बिजनेस है, हुआ नहीं हुआ। भगवत कथा एक ऐसी वस्तु है, स्वाभाविक हमारा मन भगवान की कथा की ओर लुप्त हो जाता है, खींचा जाता है। इस प्रकार निरंतर यदि भगवान की कथा सुनते रहे तो निश्चित एक ना एक दिन हमारा मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाएगा। और जब हमारा मन भगवान में लग जाएगा, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्तंते कलेवरम। यदि मन में भगवान का स्मरण रखेंगे, जीवन भर मन में भगवान का स्मरण करने का अभ्यास कर लिया तो अंत समय में हमारे मन में भगवान का स्मरण होगा।
कुछ लोग कहते हैं हम अंत समय में भगवान का नाम ले लेंगे, परंतु भक्तों मुकुंद माला स्त्रोत्र में श्री कुलशेखर आलवार लिखते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्येव में विशतु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समये कपवात पीते कंठा वरो धन विद्यो स्मरण कुतस्ते। जब हमारे प्राण के प्रयाण का समय आएगा, मृत्यु का समय जब निकट आता है, तो सर्वप्रथम हमारी इंद्रियों से शक्ति चली जाती है, आंखें देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, एक एक करके दांत गिर जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके बुद्धि से शक्ति चली जाती है। उस मरणासन व्यक्ति में, उस बूढ़े व्यक्ति में बुद्धि नहीं रहती है, फिर धीरे धीरे उनके अहंकार से शक्ति चेतना चली जाती है, यहां तक कि वो अपने आप को पहचान नहीं पाता है। यदि कोई उनका संबंधी उनके पास जाता है, वो पहचान नहीं सकता है, क्योंकि शरीर से इंद्रिय चली गई, शक्ति चली गई, बुद्धि से भी शक्ति चेतना चली गई, अहंकार से भी चेतना चली गई, बस मृत्यु के समय उस मनुष्य में मात्र उनका मन शुरू रहता है। अंतिम अवस्था में मात्र मन ही हमारा साथ देता है। उस मरणास्थान स्थिति में हाथ काम करते नहीं होंगे, कान तो कब के बंद हो गए होंगे। फिर कितना भी भगवद गीता का पाठ किया जाए, मरते समय कुछ लोग गीता पाठ कराते हैं, क्या काम का, क्योंकि मरने से कई दिन पहले कान बंद हो जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बस एक चलायमान रहता है तो हमारा मन। अंतिम समय में जब आत्मा इस शरीर से निकलती है, तो एक मन ही हमारा कार्यान्वित होता है। अतः गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, अर्जुन अपने मन को अभ्यास कराओ, अपना मन मुझ में लगाओ, मन मनाभव मद भक्तो मई एव मन आदत्स्व, बार बार, क्योंकि अंतिम समय में हमारा साथ देने वाला तत्व यदि कोई होगा तो वह मन। यदि जीवन भर हमने भगवान का स्मरण किया है, तो अंत समय में हमें भगवान का स्मरण होगा, और अंत समय में मृत्यु के समय यदि भगवान का स्मरण हो गया, तो मृत्यु के बाद भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। परंतु भगवत धाम प्राप्त करने के लिए अभी से ही हमारे मन पर भगवान को सवार कर लेना चाहिए। अतः गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे मन रूपी घोड़े पर हे प्रभु आप सवार हो जाइए। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र को बहुत सुंदर घोड़े पर बिठाया गया। जनुबाजी बेशु बनाई मन सिजुरा महित अति सोहय अपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहय जग मगत जीव जराव जो मनि मानिक लगे किंकिनि लला भगवान श्री रामचंद्र कैसे लग रहे हैं? कहते हैं साक्षात कामदेव। भगवान की बात छोड़ दीजिए, भगवान का घोड़ा कैसा लग रहा है, बोले साक्षात कामदेव घोड़े का रूप लेकर आया हो, और उस कामदेव के ऊपर भगवान सवार हुए हो। करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी लुब्ध करने वाला भगवान का स्वरूप है, और भगवान बहुत सुंदर रूप से सजे हुए हैं। उनके गले में बहुत सुंदर मोतियों की हार माला है, सुंदर मणि लगे हुए हैं, और अद्भुत छवि भगवान श्री रामचंद्र की है।
भगवान श्री रामचंद्र की बरात जा रही है, नगरवासी प्रसन्न हो रहे हैं, समस्त नगरवासी आज आनंद में झूम रहे हैं। बरात पहुंच गई, मंडप में भगवान को बिठाया गया और उस समय वशिष्ठ जी ने कहा अब कन्या को बुलाया जाए कन्यादान के लिए। राजा जनक और सुनैना सीता को लेकर आ रहे हैं। देवी सीता आज पूर्ण रूप से श्रृंगार की है, आज तक देवी सीता ने इतना श्रृंगार नहीं किया था। क्यों करे, किसके लिए करे? भक्तों, इस संसार में स्त्री को सजना चाहिए एकमात्र अपने पति के लिए, परंतु कलयुग का दुर्भाग्य है आज की स्त्रियां पर पुरुष को प्रसन्न करने के लिए सजती हैं। स्त्रियों का श्रृंगार एकमात्र अपने पति के लिए होना चाहिए, और यदि एक स्टेप ऊपर चलूं, शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ूं, तो स्त्रियों का श्रृंगार मात्र राम और कृष्ण के लिए होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं स्त्रियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को सजना चाहिए, अनेक श्रृंगार धारण करने चाहिए, परंतु भगवान के लिए। आज देवी सीता भगवान के लिए सजी है और उनकी अद्भुत सुंदरता का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सीता की सुंदरता वर्णन करने में नहीं आ रही है, परंतु सीता की सुंदरता को देखकर राजा दशरथ परम प्रसन्न हुए और इतनी सुंदर मर्यादा शालीन वस्त्र पहने थे, सब ही मन किए प्रणामा। कामी से कामी व्यक्ति की दृष्टि भी सीता के सामने झुक गई, बोले ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये तो साक्षात शक्ति है, देवी है, ये तो हमारे मां के समान है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी ने जगत को उपदेश दिया कि यदि वस्त्र पहनने हैं तो पूर्ण मर्यादा से पहनने चाहिए। आज तो स्त्रियां वस्त्र पहनती, अपने हाथ को दिखा लो, पांव को दिखा लो, पीठ को दिखा लो, पूरे जगत को सब कुछ दिखा दो, ये मर्यादा नहीं है, ये बहुत बड़ा पाखंड है। सीता ने बताया किस प्रकार से अपनी वस्त्र की मर्यादा होनी चाहिए। सब लोग मन ही मन प्रणाम करने लगे और देवी सीता समस्त वरिष्ठ को प्रणाम करने लगी। वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, राजा जनक ने भगवान श्री रामचंद्र के चरण धोए हैं आज। गोस्वामी जी ने सिद्धांत दे दिया, जब तक अपने मन में बैठे हुए अहंकार को निकाल नहीं दोगे, जब तक अपने आप को भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर दोगे, तब तक हमारा विवाह भगवान के साथ नहीं हो सकता है। भगवान को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के अहंकार से मुक्त होना होगा, तब जाकर भगवान मिल सकते हैं। बहुत सुंदर प्रकार से चरण को पखारे हैं और फिर भगवान राम और सीता के साड़ी को और खेस को बांधा गया, और जब यज्ञ के प्रति परिक्रमा करने लगे, जब फेरे होने लगे, तब सीता को आगे की गई, प्रभु पीछे हो गए। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर सिद्धांत दिया, एक साधक तब तक भगवान के पीछे रहता है जब तक उनका भगवान के साथ विवाह नहीं हो जाता है। इस संसार में आज समस्त साधक, जो लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के पीछे पीछे, लेकिन जैसे ही हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भगवान के साथ पूर्ण संबंध जुड़ जाता है, फिर साधक आगे और भगवान पीछे हो जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, जहां भक्त मम पद धरे,
जहां मेरा भक्त अपना कदम रखता है वहां पर मैं मेरा हाथ रख देता हूं, मेरा भक्त मेरे हाथ के ऊपर अपना कदम रखेगा, क्योंकि मेरे भक्त को चोट न आ जाए, ठेस न लग जाए। जहां भक्त मम पद धरे वहां धरू में हाथ, पीछे पीछे डोलू सदा में कभी ना छोड़ू साथ, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ता हूं। देखिए ये हमारे भगवान का स्वभाव है, पहले तो किसी के हाथ में नहीं आते हैं है? भक्तगण रात दिन परिश्रम करके है? मेहनत कर करके मर जाते हैं है? किसी के हाथ में नहीं आते हैं, और जिसके हाथ में आ जाते हैं फिर छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। जब कृष्ण को मारने के लिए पूतना गई थी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुम चचार निगनंती पूर ग्राम ब्रजादिशु, जब पूतना गोकुल में गई, कृष्ण पालने में सो रहे थे, पूतना को देखकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली, बोले राक्षसी का मुंह कौन देखेगा। परंतु बहुत सुंदर रूप लेकर आई थी यशोदा, रसोई घर में चली गई, पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेना चाहती थी परंतु कृष्ण की कोई इच्छा नहीं थी। जबरदस्ती पूतना ने कृष्ण को अपने गोद में ले लिया, अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष लगाकर आई थी, अपना स्तन कृष्ण के मुख में रखना चाहती थी, लेकिन कृष्ण नहीं चाहते थे राक्षसी का दूध पीना, नहीं चाहते थे। जबरदस्ती पूतना ने कृष्ण को अपना दूध पान कराया, कृष्ण ने दूध पान किया, सारा दूध पी गए, दूध के साथ साथ पूतना के अंदर जो प्राण थे उस प्राण को भी पी गए। श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं पूतना इनके पहले बहुत सारे बालकों को मार चुकी थी, अनेकों बालकों के प्राण को पी चुकी थी, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के अंदर रहे हुए प्राण को क्या पिया, पूतना ने जितने बालकों को मारा था सभी बालकों को भगवान ने अपने अंदर ले लिया और सबको सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी, उद्धार कर दिया सब बालकों का। परंतु कहने का तात्पर्य यह है जब पूतना के प्राण पी गए, पूतना को कष्ट होने लगा, सा मुंच 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 इति प्रभाषिणी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अब पूतना कष्ट को प्राप्त हो गई और बार बार कृष्ण को कहने लगी छोड़, अरे छोड़ मुझे छोड़ छोड़, लेकिन अब ये छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। वहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक तो कृष्ण पूतना के हाथ में नहीं आ रहे थे, और जब हाथ में आ गए पूतना छुड़ाना भी चाहती थी, कृष्ण छूटते नहीं थे। भक्तों ये भगवान का स्वभाव है, एक बार जिसका मन भगवान में आ गया, एक बार भगवान ने जिसको अपना बना लिया, फिर हम छूटना चाहे भी तो छूट नहीं सकते हैं। अतः गोस्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं साधक जब तक साधना के स्तर पर है तब तक भगवान के पीछे रहता है, जैसे ही भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है, सीता आगे हो गई और राम पीछे हो गए, साधक आगे और भगवान पीछे। तो इस प्रकार विवाह हो रहा है, और आप सब जानते हैं जब विवाह होता है तो गान बजान भी होता है, स्त्रियां गाना गाती हैं और उस गाने में भी व्यंग होता है, लड़की पक्ष वाले लड़के वाले की हंसी उड़ाते हैं और लड़के वाले लड़की वालों की हंसी उड़ाते हैं। वैसे तो बहुत लंबा प्रसंग है, संक्षिप्त में इतना ही सुनिए। जो सीता जी की सखिया थी व्यंग कर रही थी, बोले तुम्हारे लक्ष्मण को कह रही थी तुम्हारे भाई के साथ कौन विवाह करेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई तो निर्गुण है, श्रुति वेद और शास्त्र जिसको निर्गुण कहते हैं, नेति नेति कहते हैं, निर्गुण का एक अर्थ होता है बिना गुण वाला, ये बिना गुण वाले निर्गुण तुम्हारे भाई के साथ कौन विवाह करेगा, ये तो हमारी सीता इतनी करुणामय है जिससे आपके भाई के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। तब लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए कहते हैं बोले तुम्हारी सीता के साथ भी कौन विवाह करे,
क्योंकि वो वैदेही है, वैदेही, देह माने शरीर, वै माने नहीं, बिना देह वाली के साथ है, बिना जिसका देह नहीं है, शरीर नहीं है, ऐसी स्त्री के साथ कौन विवाह करेगा? ये तो मेरे भाई परम करुणामय है, करुणा के सागर है, इसलिए बिना देह वाली के साथ विवाह कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत सुंदर इस विवाह में व्यंग चला। धीरे धीरे करके सारी विधि समाप्त हुई और अंत में अपनी कन्या को विदाई करने का अवसर आ गया। जैसे ही विदाई करने का अवसर आया, सर्वप्रथम जनक जी की पत्नी सुनैना सीता के पास गई और सीता को बहुत सुंदर उपदेश दिया। जगत की समस्त माँ को एक आदर्श स्थापित करते हुए सुनैना ने बहुत सुंदर कहा, सासु ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुख लागी अय सुन सरहूं, सास आज तुम इस घर से जा रही हो, तुम्हारा विवाह हो रहा है, बस जाते जाते मैं तुम्हें अंतिम उपदेश दे रही हूं। तुम जिस घर में जा रही हो उस घर में तुम्हारा विवाह मात्र राम के साथ ही नहीं हुआ है, राम तुम्हारे पति हैं, लेकिन पति के जितने भी संबंधी होते हैं उन सब की सेवा करना ये पत्नी का धर्म होता है। आज की स्त्रियां कहती हैं, मेरा विवाह तो मेरे पति के साथ हुआ, सास की सेवा क्यों करूं, ससुर की सेवा क्यों करूं, देवरानी की सेवा क्यों करूं, जेठानी की सेवा क्यों करूं। लेकिन भारतवर्ष की एक मां विवाह होते समय अपनी बेटी को उपदेश दे रही है, बेटा सास की सेवा करना, अपने ससुर की सेवा करना और तुम्हारे पति के जो गुरु हैं उस गुरु की भी सेवा करना। और पति की सेवा कैसे करना? बोले पति का रुख समझकर। कभी कभी होता है पति ना कह देते हैं, सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन पति का रुख समझकर, पति की पूर्ण भावना को समझकर उनकी आज्ञा का पालन करना। बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम सदा अपने पति की प्यारी रहोगी, तुम्हारे पति सदा तुम पर अपना प्रेम बरसाएंगे, तुम्हारा सुहाग अचल रहे। भगवान को मैं बार बार प्रार्थना करती हूं तुम अखंड सौभाग्यवती रहो। इस प्रकार से जब सुनैना उपदेश दे रही थी, वहां के समस्त नर नारी, यहां तक पशु पक्षी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसी समय राजा जनक वहां पर पधारे और सीता की विदाई हो रही है, बेटी जा रही है, बेटी को जाते देख आज राजा जनक अपनी धीरज खो बैठे हैं। सीय बिलो की धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी, धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी। स्त्री सीता को विदा देते समय राजा जनक की धीरता भागी, धीरज चली गई, आज राजा जनक पिघल गए हैं। वैसे तो इनका नाम जनक है, देह से परे हैं, आत्मा के स्तर पर स्थित हैं, परंतु अपनी बेटी को विदा करते समय आज राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए। अब तो निश्चित इस संसार में जब एक पिता अपनी पुत्री को विदा करता है
पुत्री को विदा करते समय सबको दुख होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उनके पिता को होता है। हमारे घर पर देखा जाता है, घर का जो सबसे बड़ा वरिष्ठ होता है, वो घर में सबको, सभी सदस्य को, रहने वाले को लाड़ लड़ाता है, सबका लालन पालन करता है, लेकिन उस बाप का, उस वरिष्ठ का लालन पालन उनकी पुत्री करती है। पिताया जी यदि घर पर देरी से आते हैं तो पुत्री पूछती है, मां आज पिताजी देरी से क्यों आए, क्या हो गया? पिता को यदि कोई रोग आता है तो ज्यादा से ज्यादा दुख पुत्री को होता है। पर भक्तों, इस भारतवर्ष में देखा गया है, जब एक पुत्री विदा लेती है तब अपने छोटे भाई को समझाते हुए जाती है, भाई हमने आज तक हमारे माता पिता को बहुत दुखी किया, लेकिन अब मैं जा रही हूं, तू पिता को परेशान मत करना, तू मां को दुखी मत करना, क्योंकि मेरे विरह में वे दुखी हैं, और मेरे जाने के बाद तू शरारत करता रहा तो वे और दुखी होंगे। माता पिता का ध्यान रखना। बेटी को बहुत दुख होता है, और ससुराल में जाने के बाद भी जब माता पिता का अनिष्ट समाचार सुनते हैं तो सबसे पहले वह बेटी दौड़ कर आ जाती है, भाग कर आ जाती है। भक्तों, इस संसार में पुरुष का संबंध तो एक परिवार से होता है, परंतु पुत्री का संबंध दो परिवार से, वे दोनों माता पिता से प्रेम करती है, संबंध निभाती है। इस संसार के पुत्र तो अपने पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए राह देखकर बैठते हैं, ताक कर बैठते हैं कब ये पिता मरेगा और संपत्ति मिलेगी, लेकिन धन्य है आर्यवर्ष की नारी जो उसी पिता की पुत्री है, जिस धन संपत्ति के लिए उनके भाई रात दिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, पिता की संपत्ति को कैसे हड़प लूं, लेकिन आर्यवर्ष की कन्या उसी संपत्ति को ठोकर मार कर निकल जाती है, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। यह है स्त्री। आज देवी सीता जा रही है, जनक जी अपना हस्त सीता के मस्तक के ऊपर रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जनक के आंखों में आंसू नहीं रह पाए, राम के पास गए, राम मैं तुम्हारी क्या प्रशंसा करूं, इस त्रिभुवन में आप जैसा वर इस त्रिभुवन में कोई नहीं है, आप साक्षात प्रभु हो, वेद जिसे नेति नेति कहता है, साक्षात महादेव के मन को भी आप आनंद देने वाले हो, मैं आपके गुणों के विषय में क्या बताऊं, परंतु आज मैं मेरी बेटी को आपको सौंप रहा हूं, राम मेरी बेटी की रक्षा करना। राजा जनक दशरथ जी के पास गए, सबके पास जा जाकर अपनी बेटी के लिए निवेदन कर रहे हैं, हे दशरथ जी मेरी चारों बेटियां आपके घर आ रही हैं, आपके घर में रहते हुए मेरी बेटियों के द्वारा यदि कोई गलती भी हो जाए तो महाराज वह गलती मेरी बेटी की मत मानना, वो हमारे संस्कार की गलती समझकर आप उसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जब हमारी बेटियों से गलती होगी तो निश्चित हमारे संस्कार की गलती होगी, हमने कुछ संस्कार सिंचन करने में कमी रखी होगी, अतः आप उसे क्षमा कीजिएगा। वशिष्ठ जी ने कहा अब जनक जी को रोको, दो पांच लोगों ने जनक जी को पकड़कर रखा, चार डोली आज जनक जी के घर से चल रही है, चारों डोलियों में चारों बहन बैठी हैं, विदा हो रही हैं, लेकिन जनक जी रुक नहीं रहे हैं, डोली को पकड़ते हुए उस डोली के पीछे पीछे चल रहे हैं। उस समय देवी सीता उस डोली से उतर गई, अपनी मां के पास जाकर प्रणाम करते हुए कहती है, मां मां मैं जा रही हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है,
मैं जहां जा रही हूं मैं परम सुखमय हूं, परंतु मां आज मेरे हृदय में एक ही चिंता है, आप मेरे पिता का ध्यान रखना, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं, आप उनका ध्यान रखना। ये बात जब जनक जी के कान में गई, जनक जी अपनी धीरज खो बैठे। आज जनक एक बालक की तरह रो रहे हैं, जैसे एक बालक अपनी मां की गोद में मस्तक डालकर रोता है, जोर जोर से रोने लगता है। आज जनक जी विदेह होने पर भी रो रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज धीरज धारण कीजिए। जनक जी एक खंभे को पकड़कर आंसू बहा रहे हैं, विदा दे रहे हैं। जहां तक अपनी दृष्टि जाए वहां तक देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। और अंत में शतानंद जी आए, जनक जी को वापस लेकर गए। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, वह बारात धीरे 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 आगे बढ़ रही है और यहां जनक जी के हृदय में दुख धीरे धीरे धीरे। भक्तों, इस जगत में मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, मनुष्य देह प्राप्त करके कुछ विधि का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। बारात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, अनेकों पड़ाव लेते हुए कुछ दिनों के बाद यह बारात अयोध्या में पहुंची। अयोध्या के नगरवासियों ने बारात का स्वागत किया। राम, सीता, भरत, मांडवी, लक्ष्मण, उर्मिला, शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति, चारों दंपति उतरे हैं। तीनों मां हाथ में थाली लेकर आई है और अपने पुत्रों की, नई बहू की आरती कर रही है। बहुत सुंदर आरती हुई और राजा दशरथ तो आज बहुत प्रसन्न है। चार चार बहू एक साथ आई है। राजा जनक के वहां जिस प्रकार से व्यवस्था थी, जो स्वागत किया गया, वो सारी व्यवस्था, स्वागत का वर्णन जैसे चारण और भाट करते हैं, वैसे आज राजा दशरथ अपनी पत्नियों को, अपनी प्रजाओं को राजा जनक की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या व्यवस्था थी, क्या स्वागत किया जनक जी ने। आज राजा दशरथ की वाणी बंद नहीं हो रही है। इस प्रकार धीरे धीरे अयोध्या के सब लोग आने लगे, बधाई देने लगे और बधाई देने के बाद दिन समाप्त हुआ। शाम का समय प्रभु रामचंद्र अपने कक्ष में हैं और उस समय देवी कौशल्या राम के पास जाती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु रामचंद्र अपने बिस्तर पर सोए हैं, देवी कौशल्या उस बिस्तर के ऊपर जाकर राम के मस्तक को अपने गोद में रखकर अपना हाथ राम के मस्तक में घुमाते हुए कहती हैं, राम राम, कई दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न हो रहा है। पूछो बेटा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मार्ग जात भयावनि भारी, के ही विधि तात ताड़का मारी। बेटा, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि तूने ताड़का जैसी राक्षसी को कैसे मारा। बेटा, मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही, तूने मारीच को कैसे मारा, सुबाहु का वध कैसे किया। तू इतना नन्ना सा बालक और ऐसे इतने बड़े बड़े असुरों को तूने मारा, ये कैसे मारा। कौशल्या को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पुत्र भी ऐसा पराक्रम कर सकता है, क्योंकि भक्तों, कौशल्या का भगवान श्री रामचंद्र के प्रति पूर्ण ऐश्वर्य भाव था।
कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र को भगवान भी मानती थी और साथ ही साथ पुत्र भी मानती थी। अतः ऐश्वर्य भाव उदित होते ही कौशल्या ने पूछा, यह संभव नहीं है। कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र को भगवान और पुत्र दोनों मानती थी, सुमित्रा भगवान श्री रामचंद्र को साक्षात भगवान मानती थी, लेकिन भक्तों कैकेयी जो थी राम को मात्र अपना पुत्र ही मानती थी। तत्व के अनुसार देखा जाए, भाव के अनुसार देखा जाए, तो ये तीनों मामे राम के प्रति सबसे ज्यादा प्रेम कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम कैकेयी का था, क्योंकि राम को अपना शुद्ध पुत्र समझती थी। तो इस प्रकार कौशल्या ने कहा, कैसे मारा और जैसे भी मारा हो, परंतु राम मैं तेरे चरणों में निवेदन करती हूं, विधाता को एक प्रार्थना करना, विधाता को मेरा एक निवेदन करना कि जितने दिन तू यहां पर नहीं रहा उतने दिन विधाता अपनी किताब में हमारे जीवन के उतने दिन कम कर दे, क्योंकि बेटा तेरे बिना यह जीवन जीवन नहीं है। अद्भुत प्रेम प्रकट हुआ और आज सारी अयोध्या प्रसन्न है। सारी अयोध्या आज चैन की नींद सो गई और दूसरे दिन सुबह सब लोग जगे और सारी प्रजा भगवान श्री रामचंद्र के द्वार पर आकर बहुत सुंदर प्रभाती गा रही है। आज भी कुछ माताएं भगवान को जगाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में भजन गाती हैं। जागने तुजादवा कृष्ण गो वाणिया तुझ बिना धेनुमा कौन जाशे हे जागने जागवा। बहुत सुंदर। आज भगवान श्री रामचंद्र को उठाया गया और मुनि विश्वामित्र कई दिनों से भगवान के साथ थे। आज राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र को सब प्रेम आदर के साथ विदा की है। मुनि विश्वामित्र ने कहा, अब मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि पानी बहता भला संत चलता भला। मुनि विश्वामित्र को बहुत सुंदर दान दिया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लेकर विदा की और अब गोस्वामी जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके श्री रामचरितमानस के प्रथम कांड बाल कांड का अंत करते हैं। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुषित विद्वंसे प्रथम सोपान बाल कांड समाप्त है। तो स्वामी जी कहते हैं, मेरे मन को शुद्ध करने के लिए, मेरे मन को मनाने के लिए और मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने बाल कांड लिखा। अब अयोध्या कांड की ओर मैं आपको लेकर जा रहा हूं। जिस दिन से भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में विवाह करके आए हैं, उस दिन से अयोध्या में परम सुख ही सुख है। अयोध्या कांड का प्रारंभ ही सुख से होता है और अंत दुख से होता है। जब ते राम ब्या जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बढ़ाए। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बढ़ाए। जिस दिन से भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में आए, आज अयोध्या परम प्रसन्न है, सब लोग सुखी हैं। समुद्र रत्न के भंडार किनारे पर लाकर छोड़ते हैं, प्रजा को मात्र लेकर पहनने की आवश्यकता है। दैविक दैहिक भौतिक किसी भी प्रकार का ताप नहीं, दुख नहीं,
किसी को किसी भी प्रकार का रोग नहीं, सब लोग प्रसन्न है और सब लोग भगवान श्री रामचंद्र को देखकर अपने दुखों को भूल रहे हैं, परम प्रसन्न है। और उसी समय एक दिन की बात, सारी प्रजा राजा दशरथ के राज्य में बैठी थी, सभा लगी हुई थी। राजा दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे हैं और उस समय एक दिन की घटना गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, एक समय समस्त सभा बैठी थी। राजा दशरथ अपने आसन पर बैठे थे और उस समय राजा दशरथ का मुकुट हिल गया। राजा दशरथ ने अपने मुकुट को ठीक करने के लिए एक कांच मंगाया, एक आईना मंगाया। दो बंदी गए, आईना लेकर आए। राजा दशरथ अपने मुकुट को ठीक कर रहे थे। जैसे ही मुकुट को ठीक कर रहे थे, राजा दशरथ ने अपने कान के पीछे एक सफेद बाल देख लिया। श्रवण महीप भय सीत केसा, श्रवण महीप कान के पास, मनहु जठर पनु अस उपदेशा, मनहु जठर पनु अस उपदेशा। राजा दशरथ के कान के पीछे एक सफेद बाल हो गया। तुरंत राजा दशरथ के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं, हृदय बहुत दुख लाग। राजा दशरथ के हृदय में बहुत वैराग्य हुआ। क्या वैराग्य हुआ? बीत गयो दिन भजन बिना, भयो न विषय विराग और भवत बसत वा चौथपन। मेरे जीवन का इतना लंबा समय बीत गया परंतु संसार के प्रति वैराग्य नहीं हुआ, भगवान के प्रति अनुराग नहीं हुआ। आज मैं बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, अब मुझे ये राज कारोबार छोड़ देना चाहिए और सब कुछ छोड़कर निवृत्ति लेकर मात्र भगवान का भजन करना चाहिए। तय कर लिया कि अब मैं सब छोड़कर भगवान का भजन करूंगा, केवल एक सफेद बाल को देखकर। भक्तों, जब हमारे बाल सफेद होते हैं तो ये भगवान के द्वारा की गई एक व्यवस्था है। हम लोग संसार में, समाज में, कर्तव्यों में उलझे हुए हैं, लेकिन संसार और समाज में उलझे हुए लोगों के लिए भगवान एक नोटिस भेजते हैं। पुलिस वाले जब किसी को जेल में बंद करना चाहते हैं तो पहले नोटिस भेजते हैं, पहली नोटिस, दूसरी नोटिस, तीसरी नोटिस, और फिर भी यदि किसी ने अपना व्यवहार नहीं सुधारा तो जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं। जब किसी का बाल सफेद होता है, ये परमात्मा के द्वारा बताई गई प्रथम नोटिस है कि अब समय निकट आ गया है, भजन करना शुरू करो। परंतु जैसे हमारे घर पर नोटिस आती है उसे फाड़ कर फेंक देते हैं, वैसे जैसे ही हमारे बाल सफेद होते हैं डाई लगाकर काले कर देते हैं, नोटिस को ठुकरा देते हैं। नोटिस को ठुकराने से सफेद कितनी बार काले कराएंगे? परंतु आज राजा दशरथ ने जगत को अपना आचरण करके दिखाया। तुरंत बाजू में ही वशिष्ठ जी बैठे थे, तुरंत अपने सिंहासन के से उतरकर वशिष्ठ जी के पास गए। बोले, महाराज अब मुझे राज्य नहीं करना है। सूर्य वंश की परंपरा के अनुसार आज तक इस सूर्य वंश में राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाया है, राज तिलक किया है। हे वशिष्ठ जी, आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुमति हो तो मैं राम को यह राज्य सौंपना चाहता हूं। कोई योग्य मुहूर्त बताइए, योग्य
समय बताइए, योग्य नक्षत्र बताइए जिसमें मैं राम का राज्य तिलक कर सकूं। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन राम को राजा बनाना है और तुम्हें मुहूर्त देखना है। अरे जिस दिन राम राजा बनेंगे उस दिन सारे मुहूर्त शुभ हो जाएंगे। बेगु बिलंबु न करिय नृप साजिय सबु ही समाज, सुदिन सुमंगलु तब ही जब राम होइ युवराज। राम जब युवराज बनेंगे वही मुहूर्त वही दिन सबसे शुभ होगा। वशिष्ठ जी ये कहना चाहते थे कि आज और अभी ही राम को राजा बना दो, लेकिन राजा दशरथ के मन में विचार तो बहुत अच्छा आया लेकिन एक गलती कर बैठे। राजा दशरथ ने कहा, हाँ कभी भी राजा बना सकता हूं, कभी भी राम का राज तिलक कर सकता हूं। बोले हाँ, तो एक काम करता हूं, कल ही राम को राजा बना देता हूं। बस यही सबसे बड़ी गलती हो गई जिसके कारण राम को अपने हाथ से खोना पड़ा। क्या गलती थी राजा दशरथ की? जब वशिष्ठ जी ने कहा शुभ कार्य में देरी मत करो तो उसी समय उसी घड़ी राम को राजा बना देना चाहिए था, लेकिन राजा दशरथ ने एक दिन की मोहलत दे दी, 24 घंटे की मोहलत, और 24 घंटे ने राजा दशरथ के प्राण ले लिए, 24 घंटे ने अयोध्या की स्थिति को पलट दिया। शुभ कार्य में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए भक्तों, रामायण हमको सिखा रही है। वेदों ने, शास्त्रों ने, संतों ने, साधुओं ने कहा है जब मन में अच्छा विचार आए उसे तुरंत करो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा फिर करेगा कब। कल के ऊपर मत छोड़ो, आज और अब से प्रारंभ करो। परंतु हम लोग क्या करते हैं, आज कले करे सो कल करे। अब आज आज क्या करना है, कल करेंगे, जैसे राजा दशरथ ने कहा कल राजा बनाएंगे, कल राज तिलक करेंगे। आज करे सो कल करे, कल करे सो परसो, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है बहुत बरसो है? अब तो बहुत लंबा जीना है, ये भजन साधन बाद में करेंगे, आज क्या है। बस भजन करने में, शुभ कार्य में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। महाभारत में एक प्रसंग है भक्तों, कर्ण का नाम आप जानते होंगे, दानवीर कर्ण। जब दान देने में दानवीर में दानवीरों का नाम आता है तो कर्ण का नाम सबसे श्रेष्ठ होता है। एक दिन कर्ण दान कर रहा था, अनेक लोगों को दान किया और दान करने के बाद अपने घर की ओर जा रहा था। उस समय एक भिक्षुक दौड़ते हुए आया, मेरी तरह लेट हो गया होगा, दौड़ते हुए आया। कर्ण जी तो सब समाप्त करके जा रहे थे, भिक्षुक आया और मंत्र ने कहा, राजन भिक्षुक आया है, अब एक भिक्षुक बचा है। कर्ण तुरंत वहां पर आए और जो भी सोना गहना था वो लेकर अपने लेफ्ट हैंड से बाएं हाथ से लेकर उस भिक्षुक को दे दिया। मंत्री आया, महाराज आप तो दान देने के नियम को जानते हो, आप तो दान देने के नियम को जानते हो, दान सदैव राइट हैंड से करना चाहिए, दाएं हाथ से, आपने बाएं हाथ से क्यों दान किया, अशुभ माना जाता है, दान का पूर्ण फल नहीं मिलता है। कर्ण ने कहा, मेरे दाएं हाथ में सोना था, दान था, और मैंने उस भिक्षुक को तुरंत दान दे दिया। यदि उस दान को ये हाथ से ये हाथ में लाने में मेरा मन बदल जाता तो उतनी घड़ी में, एक सेकंड भी नहीं, एक सेकंड के 60वें हिस्से में, अब ये हाथ से ये हाथ में कोई वस्तु रखना कितनी देर लगती है। बोले दाएं हाथ से बाएं हाथ में वह वस्तु लेकर भिक्षुक को देने में यदि मेरा मन बदल गया होता तो मैं दान नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने शुभ घड़ी संकल्प देकर तुरंत दे दिया। शुभ कार्य में कभी भी देरी ना करें। रावण ने भी मरते समय यही लक्ष्मण को बताया, लखन लखन आज मैं रावण तुम्हारे भाई के हाथ से मरा ना होता, आज मैं रणभूमि में गिरा हूं इसका एक ही कारण,
कि मेरे जीवन में जब शुभ संकल्प आए तो मैंने तुरंत नहीं किए। एक बार मेरे मन में इच्छा हुई थी मैं समुद्र को मीठा बना दूं ताकि सब लोग समुद्र के द्वारा खेती कर सके, पानी पी सके। रावण के मन में एक ऐसा विचार आया था मैं स्वर्ग में जाने की सीढ़ी बना दूं, लोगों को परिश्रम करने की आवश्यकता न रहे। यदि ये कर दिया होता तो लाखों लोगों का आशीर्वाद मिलता और उस आशीर्वाद के फल स्वरूप आज मैं यहां मरता नहीं। लेकिन मैंने सोचा बाद में करूंगा, कर नहीं पाया। और लखन जब बुरा विचार मेरे मन में आया तो मैंने तुरंत कर दिया। सूर्पणखा ने जब मुझे बताया कि वहां तपस्वी ओके वेश के में दो लड़कों के साथ एक बहुत सुंदर स्त्री है, रावण को शाम को 9 बजे पता चला, 10 बजे मारीच के पास, और दूसरे दिन सुबह सीता को लेकर अपने घर पर ला दिया। बुरे कार्य को तुरंत किया और अच्छे कार्य में मैंने देरी कर दी, इसलिए आज मुझे मरना पड़ा। राजा दशरथ ने 24 घंटे की मुहलत दे दी। यदि तुरंत उसी समय भी राम राजा बन सकते थे, परंतु सत्कार्य में देरी कर दी, अतः इस निर्णय का परिणाम पलट जाएगा। वशिष्ठ जी से कहा, कल मैं राम को का राज तिलक करना चाहता हूं, आप राम को राजा बनने के जितने भी नियम है ये सब बता दीजिए। इस प्रकार सभा वहां से चली गई और उस दिन वशिष्ठ जी भगवान श्री रामचंद्र के कक्ष में आए। भक्तों, जैसे वशिष्ठ जी आए प्रभु खड़े हो गए और भगवान ने बहुत सुंदर आचरण करके दिखाया, कहा, गुरुवर आपको यहां आने की क्या आवश्यकता थी, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका दास हूं, दास को याद कर लिया होता मैं आपके पास आ जाता। धन्य हो आप इतने महान होकर भी मेरे जैसे दास के घर पर आए। देखिए, हमारे भारत भूमि में जब संत किसी के घर पर जाते थे तब लोगों की ये भावना होती थी कि ये संत मेरा उद्धार करने के लिए मेरे घर पर आए। जब नंद बाबा के घर पर गर्गाचार्य जी गए तो नंद बाबा ने यही कहा, महत विचलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम। ए महाराज, हे गर्गाचार्य जी, जब कोई साधु संत महात्मा अपने मंदिर से अपने मठ से निकलते हैं तो मेरे जैसे गृहस्थियों के ऊपर कृपा करने के लिए ही निकलते हैं। ये भावना होनी चाहिए साधुओं के प्रति। और हम लोग जैसे ही हमारे घर पर संत आते हैं तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं, यह सोचते हैं लगता है डोनेशन लेने आया होगा, चंदा मांगने आया होगा। आज जनता की साधुओं के प्रति जो कर्तव्य है भूल रहे हैं, परंतु भगवान श्री रामचंद्र ने दिखाया, हे प्रभु आप आइए, स्वागत किया। और वशिष्ठ जी ने बहुत सुंदर शिक्षा दी, राम कल तुम अयोध्या के राजा बनने जा रहे हो, राम करहूं सब संयम आजू। राजा बनने के लिए एक राजा को अपनी इंद्रियों को वश में रखना होगा। राम करहु सब संयम आजू, आज से ही तुमको अपने ऊपर संयम रखना होगा। इस संसार में संसार को चलाने वाले राजा और नेताओं के लिए बहुत सुंदर उपदेश दिया जा रहा है। जब एक नेता एक राजा अपनी ही इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है तो प्रजा को कैसे वश में कर सकता है। अतः प्रजा को वश में करने वाले राजा को सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखना चाहिए। अतः राजाओं को चाहिए गुरुओं के शरण में जाए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करे, शिक्षा विद्या प्राप्त करे, अपने इंद्रियों को संयमित करे, तब जाकर इस संसार में राम राज्य स्थापित कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो बहुत सुंदर वशिष्ठ जी ने राम को यह खबर दी, कल तुम राजा बनने जा रहे हो। गोस्वामी जी अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही बहुत सुंदर मंगलाचरण करते हैं, प्रसन्नात्मया गताभिषेकत।
तथान ममले वनवास दुखत। जैसे भगवान राम को पता चला कि कल मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, राम को प्रसन्नता नहीं हुई। आज तो किसी को पता चले मैं भारत का बड़ा प्रधान बनने जा रहा हूं, न सो पाएगा न बैठ पाएगा। राम को कोई प्रसन्नता हुई, राम को हृदय में दुख हुआ, एक अफसोस हुआ। क्या अफसोस हुआ? गोस्वामी जी कहते राम ने सोचा मेरे तीन भाई हैं, तीनों मेरे से भी ज्यादा गुणवान हैं और भरत वो तो गुणों की खान है, और मेरे तीनों भाई को छोड़कर जिस पर तीनों का अधिकार है उसे छोड़कर मुझे राजा बनाने जा रहे हैं। ये विचार जो है, ये निर्णय बिल्कुल गलत है। भगवान राम इस निर्णय से सहमत नहीं थे, बोले मुझे अकेले को राजा नहीं बनाना चाहिए, या बनाओ तो चारों को राजा बनाओ या अकेले भरत को राजा बनाओ। ये राम का विचार था। वे गोस्वामी जी लिखते हैं, बिमल वंश यहु अनुचित एकु बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। बहुत अनुचित बात हो गई राम के मन में। परंतु भक्तों, अयोध्या की प्रजा के मन में क्या भाव था? राम के मन का भाव तो आपने जाना, अफसोस था। प्रजा के मन में क्या था? प्रजा को तो यही था, कब राम राजा बनेंगे, कब हम उस राम की सभा में बैठकर राम को एक टक से देखेंगे, कब राम के मुख से हम प्रवचन सुनेंगे, कब राम के आदेश का हम पालन करेंगे। प्रजा तो यह राह देख रही थी। परंतु उसी समय देवताओं के मन में क्या भाव था? गोस्वामी जी लिखते हैं, सबके मन में सुंदर और अच्छा भाव था, लेकिन देवताओं की मति बिगड़ गई। देवता मन ही मन सोच रहे थे कि यदि राम राजा हो गए तो जंगल में रहने वाले अनेक महात्माओं का उद्धार कैसे होगा, रावण जैसे असुरों का वध कैसे होगा। अतः देवता लोग सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। कुछ लोग कहने लगे, देव समाज में स्वर्ग लोक में खलबली मच गई, बोले राम राजा बनने नहीं चाहिए, ऐसा क्या करे जिससे राम राजा न बने। समस्त देवता सरस्वती जी के चरणों में गए, सरस्वती को प्रणाम किया, बार बार गही चरण संकोची, बार बार सरस्वती देवी के चरणों में प्रणाम किया, कहा माते आपको हमारा एक काम करना है। क्या? बोले कल राम राजा बनने वाले हैं, आज रात को ऐसा चक्कर चलाओ जिससे राम राजा न बने। सरस्वती ने कहा, ऐसा दुसाहस मैं कभी नहीं कर सकती हूं, प्रभु को वन में भेजने का काम मैं कभी नहीं करूंगी। देवताओं ने सरस्वती के चरण पकड़ लिए, आप हमारी मां समान हो और ये कार्य करने में हमारा शुभ संकल्प है। बार बार देवताओं ने विनंती की, तब देवी सरस्वती अपने मन ही मन में कहती हैं, चली बिचारी विबुध मति पहुंची। देवी सरस्वती सोचती है, ऊंच निवासु नीच कर तूती। ये लोग रहते तो ऊपर हैं, लेकिन इसके विचार बहुत नीच हैं। रहते ऊपर हैं, लेकिन विचार नीच हैं। परंतु फिर भी निवेदन किया है, देवताओं ने निवेदन किया। देवी सरस्वती अयोध्या में आई, और अयोध्या में आकर देवी सरस्वती ढूंढ रही थी, मैं किसकी जीवा पर बैठूं, किसकी बुद्धि पर बैठकर बुद्धि भ्रमित करूं। पूरे अयोध्या में सरस्वती ने छान मारा, तब सरस्वती को पता चला कि जिस व्यक्ति ने सरयू का पानी पिया है उसकी बुद्धि तो मैं भी नहीं घुमा सकती हूं, उसकी बुद्धि को तो मैं भी दूषित नहीं कर सकती हूं। सरस्वती वापस देवताओं के पास आई, ये काम मुझसे न होगा, क्योंकि अयोध्या में रहने वाला सरयू का पानी पीने वाला व्यक्ति परम पवित्र है, उनकी बुद्धि को मैं घुमा नहीं सकती हूं। देवताओं ने निवेदन किया, ढूंढो तो सही, कोई तो मिलेगा आपको। सरस्वती फिर से आई, गौर करके देखा तो पूरे अयोध्या में सरस्वती को एक पात्र मिला। गोस्वामी जी बड़े दुख के साथ कहते हैं, वो पात्र कौन था? नाम मंथ रामंद मती,
चेरी कई कई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फे। नाम मंत्रा, मंत्रा नाम की एक दासी थी जो कैकई की दासी थी। जब कैकई का विवाह हुआ तो उनके पिता ने कैकई के साथ भेजा था। कहां की थी, कहां रहने वाली थी, पूरे रामायण में उनका वर्णन नहीं है। अतः गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर सिद्धांत दिया, जब भी किसी को अपनी सखी बनाओ, मित्र बनाओ, तो सबसे पहले उनका परिवार, उनका बैकग्राउंड जान लेना चाहिए। मंत्रा का कोई बैकग्राउंड नहीं, और इसीलिए एक मंत्रा ने करोड़ों करोड़ों लोगों को दुखी कर दिया। मंत्रा के साथ मित्रता करने से मंत्रा के विषय में आचार्य गण कहते हैं रावण से भी दुष्ट थी, क्योंकि रावण तो देखने में आता था ये असुर है, और रावण को तो भगवान ने अपने बाण से मार दिया, लेकिन मंत्रा आज तक जीवित है। रामायण चाहे वाल्मीकि रामायण पढ़िए, गोस्वामी जी की रामायण पढ़िए, चाहे कोई भी रामायण हाथ में ले लीजिए, मंत्रा के मरने की बात किसी रामायण में नहीं है, आज तक जीवित है। हो सकता है बाजू में भी बैठी हो। अतः ध्यान रखना चाहिए। मंत्रा नाम की दासी मिली, देवी सरस्वती मंत्रा की जीवा पर, उनकी बुद्धि पर बैठ गई, और जैसे ही मंत्रा को पता चला, शाम का समय हुआ, राजा दशरथ ने समस्त लोगों को, अनुचरों को आदेश दे दिया, अयोध्या को सजाया जाए, पताके लगाए जाए, तोरण लगाए जाए, कल मेरा राम राजा बनने वाला है। और ये सब व्यवस्था करने में राजा दशरथ अपनी पत्नियों को बताने में भूल गए। राजा दशरथ व्यस्त थे, उसी समय यह मंत्रा कैकई के भवन में गई, कनक भवन जहां पर कैकई का निवास है, सोने के महल में रहती थी। मंत्रा गई और बिल्कुल नर्वस होकर कैकई ने कहा, मंत्रा क्या हो गया, आज तुम इतनी दुखी क्यों हो? रानी जू क्या नहीं हुआ यह बताइए, अनर्थ हो गया? मंत्रा क्या अनर्थ हुआ, मेरा राम सही सलामत तो है ना, मेरा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब ठीक तो है ना, क्या अनर्थ क्या हुआ? मंत्रा ने कहा, राम के अलावा आज अयोध्या में सब लोगों के मस्तक के ऊपर काल मंडरा रहा है। बोले हुआ क्या ये बताओ। बोले रानी जू कल राम राजा बनने जा रहे हैं। तब तो कैकई प्रसन्न हो गई, बोले राम राजा बनने वाले हैं, मैं तो कई दिनों से सोच रही थी कि अब राजा को ये सब छोड़कर राम को राजा बना देना चाहिए। आज मंत्रा मेरे हृदय की इच्छा पूर्ण हुई। मंत्रा आज तूने मुझे यह बहुत सुंदर समाचार दिया। मंत्रा मांग, तुझे क्या चाहिए? आज मैं परम प्रसन्न हूं। रानी जू इसी कारण आपके पिताजी ने आपके साथ मुझे भेजा था, क्योंकि तुम अपना हित अनहित नहीं जान रही हो। आप नहीं जानती हो, ये प्लान एक महीने से चल रहा है और राजा ने आपको आज तक नहीं बताया। कौशल्या और राजा दशरथ की खिचड़ी पक रही है, और रानी जो आप मुझे रोज कहती हो राजा मुझे प्रेम करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, कहां तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम्हें तो पता भी नहीं है। अब मंत्रा बिल्कुल झूठ बोलने जा रही है। जब मंत्रा ने इस प्रकार से कहा कि राम राजा बनेगा तो कौशल्या राजमाता बनेगी और लक्ष्मण उसका मंत्री बनेगा और हम लोग दासी बनकर रह जाएंगे, कई कई क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर कहा, मंत्रा यदि एक शब्द भी आगे बोला तो तेरी जीवा खींच लूंगी,
संतगण कहते हैं कैकेयी ने मंत्रा को थप्पड़ मार के गिरा दिया। आज के बाद ऐसी बात कभी मत करना। तब मंत्रा, अब स्त्रियों के पास जो प्रथम शस्त्र होता है, रोना शुरू कर दिया और कहते हैं, मैं शिव जी की सौगंध खाकर कहती हूं, शिव जी की सौगंध खाकर कहती हूं कि राम जैसे ही राजा बनेंगे, उन लोगों का ये प्लान है, राम को राजा बनाकर तुमको और भरत को कारागार में बंद कर देंगे। जब शिव जी की सौगंध सुना तब कहकर धीरे धीरे उसकी रेंज में आने लगी। अच्छा मंत्रा, हमें कारागार में बंद करने का प्लान? बोले हाँ। तो मंत्रा, अब तो ये अनर्थ होने जा रहा है। मंत्रा बताओ तो इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मंत्रा कहने लगी, एक तो मुझे मारकर गिरा देती हो और ऊपर से पूछती हो क्या करना चाहिए। कैकेयी ने क्षमा याचना की, माफ करो मुझे, गलती से तुम्हें मार दिया, लेकिन मंत्रा इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी हितेशु यदि कोई है तो वो तुम हो। यही होता है जगत में भक्तों। ये प्रसंग का सार इतना ही है, कभी भी किसी की गलत संगति नहीं करनी चाहिए। आप सत्संग न करो तो कोई बात नहीं, परंतु कभी भी किसी की गलत संगति में मत फंस जाना। यदि भूल से भी गलत संगति हो गई तो जीवन अधोगति की ओर चला जाएगा। हमारे जीवन का आधार दो वस्तु के ऊपर है, संस्कार और संग। संस्कार बिगड़े और संग बिगड़ा, हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। मंत्रा कह रही है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा दुख आने वाला था, लेकिन रानी जी मैंने तुम्हें बचा लिया। बोले हां, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। कथा को आगे न बढ़ाते हुए इतना ही समझिए, मंत्रा ने कहा, तुम बहुत भुलक्कड़ हो। याद करो, तुम्हारे पति ने तुमको दो वरदान दिए हैं और तुमने उनको पेंडिंग रखा है। आज वो समय आ गया है, दोनों वरदान मांग लो। परंतु मैं क्या मांगू? मंत्रा ने कहा, आप सबसे पहले दशरथ को राम की शपथ खिलाना, क्योंकि वो राम की शपथ खाकर अपने प्राण से कभी विचलित नहीं होंगे। और फिर पहला वरदान मांग लेना, भरत को राजा बनाओ, और दूसरा वरदान मांग लेना, राम को तपस्वी के वेश में 14 साल के लिए वनवास। सारा अज्ञान कैकेयी के मन में डाल दिया और कहा, कैकेयी तुम यहां क्या कर रही हो? जाओ तुरंत पुराने वस्त्र पहनकर ये अलंकार निकालकर कोप भवन में जाकर बैठ जाओ। जब राजा मुझे मिलेंगे तो मैं उसे कोप भवन में भेजूंगी। कैकेयी कोप भवन में चली गई। पहले के जमाने में राजा लोग अपने महल में एक ऐसा कमरा बनाते थे जिसका नाम रखते थे कोप भवन। राजा की बहुत सारी रानियां होती थी। अब कौन रानी किस कारण से दुखी है राजा को क्या पता। तब जो रानी दुखी होती थी कोप भवन में जाकर बैठ जाती थी, राजा सॉल्यूशन कर देते थे। राजा रात को सारी व्यवस्था देकर सबको सेवा सौंपकर अपने घर की ओर लौटे। राजा के मन में था कि मैं सबसे पहले ये बात कैकेयी को सुनाऊंगा, और जैसे ही कैकेयी ये सुनेगी परम प्रसन्न हो जाएगी। राजा दौड़ते हुए आए, रास्ते में मंत्रा को देखा, मंत्रा मंत्रा कैकेयी कहाँ है? मंत्रा ने कहा, महाराज कैकेयी कोप भवन में है। गोस्वामी जी कहते हैं, इतना सुनते ही इतना कोप भवन शब्द सुनकर, कोप भवन सुनी सकुचेऊ राजा, भई बस अनुगहे पर ही न पावा। कोप भवन शब्द सुनकर राजा का कदम रुक गया। अब वो कदम आगे बढ़ नहीं रहा था। राजा बिल्कुल सहम गए, राजा का सारा उत्साह गिर गया। बोले, इतना सुंदर कार्य होने जा रहा है और वो कोप भवन में जाकर बैठी है। कभी कभी होता है, माताओं का ऐसा स्वभाव होता है, जब अच्छा कार्य होता है उसी समय कोप भवन में जाकर।
और ऐसा कार्य करने वाली मंत्रा कही जाती है, कई कई मानी जाती है। राजा सहम गए, राजा के हृदय पर बिजली चल गई। गोस्वामी कहते हैं कि जिस इंद्र भी असुरों के साथ युद्ध करने के लिए राजा दशरथ को आमंत्रण करते थे, इंद्र की भुजा राजा दशरथ थे, राजा दशरथ की भुजा से इंद्र का आसन निर्विघ्न रूप से चल रहा था, देवताओं पर भी विजय प्राप्त करने वाले राजा जब कोप भवन नामक शब्द सुने सहम गए। और गोस्वामी जी कहते हैं कि अब राजा के हृदय में बहुत दुख हुआ। कहते राजा दशरथ के हृदय में काम था, अपनी पत्नी कैकेयी के प्रति आसक्ति थी। राजा दशरथ के हृदय में काम था, कैकेयी के हृदय में आज क्रोध था, और मंत्रा के हृदय में लोभ था। बोले भरत राजा बनेगा तो मेरी मेरी मालकिन राजमाता बनेगी और मुझे कुछ मिलेगा। मंत्रा के हृदय में लोभ, कैकेयी के हृदय में क्रोध और राजा दशरथ के हृदय में काम। जिस स्थान पर काम क्रोध और लोभ होता है वहां राम राज्य कभी नहीं आ सकता। गोस्वामी जी ने कहा भूल जाओ, अब राम राजा कभी नहीं बन सकते हैं। एक बार लोभ होता कैकेयी हृदय में चल जाता, मंत्रा के हृदय में लोभ होता चल जाता, कैकेयी के हृदय में क्रोध होता चल जाता, परंतु दशरथ के हृदय में यदि काम न होता तब भी राम वन में जाने से बच जाते। दशरथ कह सकते थे कि तुम जो मांग रही हो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुमसे जो होता है वह कर लो, मैं नहीं दूंगा। एक पति अपनी पत्नी को कह सकता है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं हृदय में काम था, अतः राम राज्य संभव नहीं था। राजा दशरथ उस कोप भवन में चले गए और कोप भवन में जाकर वहां पर भयोन विषय विराग और सोच रहे हैं कि वैराग्य आना चाहिए, और अभी कोप भवन में जाकर अपना हाथ देवी कैकेयी के कंधे पर रखते हुए कहते हैं, अपना हाथ कैकेयी के कंधे के ऊपर रखते हैं, केही हे तू रानी रिसानी परसत पानी पति ने वार, केही हे तू रानी रिसानी परसत पानी पति ने वार। कैकेयी के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं रानी प्रिय तुम क्यों रूठी हो, तुम्हारे रूठने का कारण बताओ। यदि तुम कहो देवी, यदि तुम कहो तो मैं रंक को राजा बना दूं, देवी तुम यदि कहो तो मैं राजा को रंक बना दूं, देवी तुम कहो यदि तुमसे किसी ने तुम्हें दुख दिया है उस व्यक्ति को अपने राज्य से बाहर निकाल दूं। हे सुलोचनी, हे मृगनयनी, हे पीकवचनी, अब 50 साल की उम्र के राजा को, 50 साल के बूढ़े को अपनी पत्नी को मृग नयनी कहना भी लज्जा नहीं आ रही है। गोस्वामी बता रहे हैं काम से वशीभूत हो रहे हैं राजा है? 50 साल का बूढ़ा अपनी पत्नी को कहे कहे मृग नयनी तुम्हारी वाणी तो कोयल जैसी है। अरे बूढ़ा तू बोल रहा है, मुंह में लार टपक रही है। लेकिन आज राजा दशरथ अपनी पत्नी को संबोधन दे रहे हैं, हे गजगामिनी, कैकेयी तुम्हारी चाल तो गजगामिनी की तरह है। राजा के हृदय में काम है, और गोस्वामी जी ऐलान करते हैं ये रघुवंश की भाषा नहीं, ये राजा की भाषा नहीं, ये राजा काम की भाषा बोल रहे हैं। देवी आज तुम क्यों रूठी हुई हो, तुम जानती नहीं आज मैं तुम्हें प्रसन्न करने आया हूं, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबर देने आया हूं। क्या खुशखबर? बोले कल तुम्हारा राम अयोध्या का राजा बनने जा रहा है, कल तुम्हारा राम अयोध्या का राजा बनेगा। इतना सुनकर कैकेयी का क्रोध और बढ़ गया।
बोले इसीलिए मैं इस कोप भवन में आकर बैठी हूं। राम ही देव काली युग राजू दल की उठे हु सुनी हृदय कठोरू। उनका कठोर हृदय कई कई का उछल गया। बोले यही मुझे सबसे बड़ी तकलीफ है। बोले तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी कोई विपरीत इच्छा है, तुम्हारी कोई इच्छा दूसरी कोई है? बोले जो इच्छा है बोलो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? कह के कहती है मांगू मांगू पे कहूं कब हूं। मांगो 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 ऐसा तो बहुत बार बोलते रहते हो लेकिन आज तक कभी आपने मुझे कुछ दिया है? क्या चाहती हो? याद करो राजन, वे दो वर मैंने आपके पास थाती के रूप में रखे हैं, आज मुझे वह दो वर चाहिए। राजा ने कहा मुझे अनेकों प्रजा का ध्यान रखना होता है और मैं भी इतना बावरा था कि वो दो थाती के रूप में रखे हुए आपके दो वरदान को भूल गया। प्रिय दो नहीं, तुम चाहो तो चार वरदान मांग लो लेकिन अपना मूड ठीक कर लो। तुम ऐसे मूड बनाकर बैठी हो, मेरे हृदय में कितना कष्ट हो रहा है तुम नहीं जानते। मैं दशरथ राम की सौगंध खाकर कहता हूं तुम जो मांगोगे वही मैं तुम्हें दे दूंगा। राम की सौगंध, राम की शपथ खा ली। तब मंत्रा की बात याद आई कि जैसे ही राजा राम की शपथ खाएंगे तुरंत कह देना। राजा ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो अब कह कह मांग रही हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राण प्रिय सुनो, मैं प्रथम वचन पहली वस्तु आपसे मांग रही हूं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। सुनो राजन मैं क्या चाहती हूँ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बर भर तही टीका, देहु एक बर भर तही टीका। राजन मेरा प्रथम वर, मेरा पहला वरदान आप मुझे दो क्या? देहु एक वर भरत ही टीका। आप कल राम को राजा बनाने जा रहे हो ना, राम को राजा न बनाकर आप मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ। राजा ने कहा कोई बात नहीं, वैसे राम भी कोई राज्य का लोभी नहीं है। तुम चाहती हो भरत को राजा बनाना, कल भरत राजा बनेगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। बताओ अब दूसरा वर क्या चाहिए? मांगहु दूसर पर कर जोरी, मांगहु दूसर पर कर जोरी, मांगहु दूसर पर कर जोरी, मांगहु दूसर मांगऊ दूसर बर कर जोरी, मांगऊ दूसर बर कर जोरी। प्रिय मांगो दूसरा वर क्या है, मांग लो। दोनों हाथ जोड़कर देवी कैके कहती हैं कि आप मुझे दूसरा वर दीजिए। मांगहू दूसर बर कर जोरी, मांगहू दूसर बर कर जोरी। तो कई कई दूसरा वर मांगने जा रही हैं। अगली चौपाई अयोध्या में 14 वर्ष तक
फूल नहीं खिलने देगी। कैके का दूसरा वरदान, ये कैके की दूसरी चौपाई 14 वर्ष तक अयोध्या में मात्र फलाहार कराएगी। यह दूसरी चौपाई 14 वर्ष तक अयोध्या में वसंत नहीं आने देगी। भक्तों, यह दूसरी चौपाई अयोध्या में 14 वर्ष तक सूर्य को उदय नहीं होने देगी। यह दूसरी चौपाई 14 वर्ष तक अयोध्या में रहने वाले लोगों के प्राण को लेकर चली जाएगी। यह दूसरी चौपाई समस्त रानियों के सिंदूर को मिटा देगी। दूसरी चौपाई, दूसरा वर कई कई मांग रही है। तापस वेश विशेष उदासीन, तापस वेश विशेष उदासीन, तापस वेश विशेष उदासीन, तापस वेश विशेष उदासीन। तपस्वियों के वेश में वन में जाना होगा। राजा दशरथ को यह लगा कि रानी कहके ही मुझे वन में भेजना चाहती है। आधी चौपाई तापस वेश विशेष उदासी, राजा को लगा कि रानी मुझे कह रही है कि तुम्हें वन में जाना है क्योंकि मैं भी बूढ़ा हो गया हूं। उसके मन में होगा कि बूढ़ा हो गया हूं, वृंदावन भेजना चाहती होगी। राम के विषय में तो कोई ख्याल ही नहीं। परंतु जैसे ही यह चौपाई पूर्ण की, राजा दशरथ की स्थिति बदल गई। चौदह बरस राम वनवासी, चौदह बरस राम वनवासी, चौदह बरस राम वनवासी, चौदह बरस राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए आपके राम को तपस्वियों के वेश में वन में भेज दो। इतना सुनते ही जैसे तूफान आने से कोई वटवृक्ष धरती पर गिर जाए, जैसे सिंहन के दहाड़ने से वृद्ध हाथी कांपने लगे, ऐसे महाराज दशरथ ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। ना कैकेयी, ना ऐसा वर मत मांगो। तुम चाहो तो भरत को गादी मांग लो, परंतु राम को वनवास। चौदह बरस राम वनवासी, चौदह बरस राम वनवासी। महल के चारों ओर यह चौपाई गुंज रही है, 14 वर्ष राम वनवासी। राजा दशरथ यह सुनकर सहम गए, मन में अफसोस करने लगे। क्या सोचा था, क्या हो गया? चंद्र बनाना चाहता था, राहु बन गया। धारणा कुछ और, घटना कुछ और। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। इस चौपाई को महाराज दशरथ सहन नहीं कर सके। जैसे ही कहा 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेजो, राजा दशरथ अपने मुख से राम बोलकर पृथ्वी पर गिर गए। राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी, हाँ महाराज, कैकेयी मुझे विश्वास है कि मेरी रानी कभी भी ऐसा वर नहीं मांग सकती है। कैकेयी मुझे विश्वास है, तुम मेरे से मजाक कर रही हो, मेरे से कौतुक कर रही हो। कैकेयी, यदि तुम मेरे से मजाक कर रही हो तो जल्द से जल्द सच सच बताओ, क्योंकि ये तुम्हारी मजाक मेरे मृत्यु को निमंत्रण देने वाली है। और ज्यादा परीक्षा मत कराओ कैकेयी, जल्दी बोलो, सत्य बताओ, आप क्या चाहती हो? तब कैकेयी भयंकर भाषा में बोलती है, महाराज, आप किसके बल पर बोल रहे थे? मांगो 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 बार बार बोल रहे थे। जब आप राम को गादी पर बिठाने की बात कर रहे थे, तब तो उछल रहे थे, कूद रहे थे,
और भरत को गादी पर बिठाने की बात सुनी तो आप दुखी हो गए? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या भरत को और मुझको आप खरीद कर लाए हो? नहीं कह कह नहीं कह के इतने कठोर वचन मत बोलो। तू ऐसा बोलेगी तो तुझे पाप लगेगा। राम और भरत मेरी दोनों आंख है। मोरे भरत राम दुई आँखी, मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। कई शंकर जी को साक्षी देकर मैं तुम्हें कह रहा हूँ, राम और भरत मेरी दो आंख है। यदि कह के तुझे शंका हो रही है तो मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूं, मैं तुझे सत्य कह रहा हूं, मुझे कौशल्या ने कुछ नहीं बताया। मैंने मेरी इच्छा से राम को राजा बनाया है और तू ही तो मुझे बार बार कहती थी राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ। कह के मैंने तुम्हारी इच्छा को पूर्ण किया। हाँ, मेरे से एक गलती हो गई कि यह निर्णय लेने से पहले मैंने तुमको नहीं पूछा। मेरी इतनी छोटी सी गलती की सजा कई कई, इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो, इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो कई कई, मैं जी नहीं पाऊंगा। 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। महाराज दशरथ अबला की तरह रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं महाराज दशरथ। कई कई कठोर होकर मर्माहित शब्द से महाराज दशरथ को दुखी कर रही हैं कि आप नपुंसक की तरह मत बैठो राजन, आपकी माया मुझे स्पर्श नहीं करेगी। आपने यह सोचा था कि मैं कोई साधारण वरदान मांग लूंगी? राजन, यदि वरदान देना है तो हां कहो, यदि नहीं देना है तो ना कहो। और यदि तुम्हें वरदान नहीं देना है, तुम्हें अपने वचन से च्युत होना है तो सीधा ना कह दो। इस प्रकार से अबला की तरह, स्त्री की तरह, नपुंसक की तरह मेरे सामने गिर मत जाओ। मर्माहित करते हुए चारों ओर महल में ये चौपाई गूंज रही है। 14 बरिस राम वनवासी, चारों ओर चौपाई गूंज रही है। महाराज मूर्छित हो रहे हैं, कभी कभी भयंकर शब्द बोलकर कई कई महाराज दशरथ को विह्वल कर रही है। महाराज धीरे धीरे खड़े हुए, अपनी पूरी शक्ति करके राजा दशरथ खड़े होकर अपनी पत्नी से कहते हैं, कई कई मैं तुम्हारा पति हूं। इस सूर्य वंश में जितने भी राजा महाराजा हो गए, कभी भी इस सूर्य वंश के राजा ने अपनी पत्नी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, लेकिन कई कई राजा होकर, पति होकर भी आज मैं तुम्हारे सामने दोनों हाथ जोड़ता हूं। आज तक कभी किसी पति ने अपनी पत्नी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, परंतु मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे चरणों में निवेदन करता हूं। कई कई अभी भी इस वचन को बदल दो, अभी भी इस वर को बदल दो। और कई कई यदि राम को तुम वन में भेजना चाहती हो तो भेजो, परंतु साथ ही साथ एक काम और कर दो। वहां दीवार के ऊपर तलवार लटक रही है, वह तलवार लेकर इसके साथ मेरा मस्तक काट दो, क्योंकि राम वन में जाएंगे, राम के बाद, राम के विरह में मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राम के विरह में मरने से अच्छा है कई कई राम के सामने मुझे मार डालो। भक्तो, भगवान के पिता के जीवन में जब ऐसा दुख आया, संसार में रहने वाले साधारण व्यक्ति के जीवन में दुख आए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। रामायण के ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, परंतु इस दुख का सामना करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे चिता में किसी शव को जलाया जाए और जल्लाद
लकड़ी से उस शव को कोसता है, ठीक उसी प्रकार कैकेयी के वचन से जले हुए राजा को बार बार कैकेयी मर्माहित कर रही है। कैकेयी ने अपना अंतिम निर्णय बताया, महाराज अब मुझे आपके मुख से कुछ नहीं सुनना है, कल सुबह होते ही राम यदि वन में नहीं गए तो कान खोलकर सुन लो, मैं अटारी से गिर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी और तुम्हारे मस्तक पर कलंक चढ़ेगा। तब राजा दशरथ कहते कैकेयी यदि ये तेरा अंतिम निर्णय है तो कैकेयी तू भी मेरा अंतिम निर्णय सुन ले, सुन मेरा अंतिम निर्णय, तेरे कहने से राम वन में जाएंगे, क्योंकि ये तो रघुकुल है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, मेरा राम मेरे वचन को कभी तोड़ नहीं सकता है। राम वचन में जाएंगे, 14 साल के लिए वन में रहेंगे, 14 साल के बाद राम वापस आ जाएगा, दोनों भाई वापस मिल जाएंगे, अयोध्या में जैसा था वैसा सब कुछ फिर से हो जाएगा। लेकिन कैकेयी कान खोलकर सुन ले, ये सब कुछ हो जाने के बाद दो चीज को गंगा जल भी पवित्र नहीं कर सकता है, दो चीज को गंगा जल भी पवित्र नहीं कर पाएगा, प्रथम तेरा कलंक और मेरा पछतावा। कैकेयी तेरे पर कलंक चढ़ेगा, इस संसार में कोई तेरे प्रति शुभ दृष्टि से देखेगा नहीं, और मेरा पछतावा, मैं पछताऊंगा। इस प्रकार राजा दशरथ अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ रहे हैं। कैकेयी आज से तू मुझे पति मत कहना, आज से मैं तेरा पति नहीं, तू मेरी पत्नी नहीं। राजा दशरथ आकाश की ओर देख रहे हैं, हे सूर्य वंश के सूर्य देवता, ये राजा दशरथ दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देवता आपको मना रहा है, आपके चरणों में निवेदन कर रहा है कि कल सुबह उदय मत होना, यदि तुम कल सुबह उदय हो जाओगे तो यह रघुकुल का सूर्य यहां से अस्त हो जाएगा, सूर्य देवता को मना रहे हैं। भक्तों इस प्रकार से इस दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के जीवन में अद्भुत दुख आया। राजा है, राजा के जीवन में जब यह दुख आया, भक्तों हम राजा दशरथ के सामने क्या है, सबके जीवन में ऐसे दुख आते हैं। एक दिन का चक्रवर्ती सम्राट, देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला दशरथ आज स्वयं रो रहा है, स्वयं आज रो रहा है। इसी को कहते हैं जीवन। इसलिए तो एक संत ने कहा है, जीवन का रंग बदलता जाए, रंग बदलता जाए, जीवन का रंग बदलता जाए, रंग बदलता जाए। तो हमारे जीवन के रंग जो हैं रोज बदलते हैं। ये हमारा जीवन एक वृक्ष के समान है, जीवन के एक पत्ते पर सुख लिखा है तो तुरंत दूसरे पत्ते पर दुख लिखा है, तीसरा पत्ता आप उल्टाओगे तो उसमें संजोग लिखा है, तो चौथे पत्ते पर वियोग लिखा है, पांचवें पत्ते पर विवाह लिखा है, छठा पत्ता कोरा है, सातवें पत्ते पर और दुख लिखा है। जीवन के पत्ते बदलते जाते हैं और उस बदलते हुए पत्ते में लोग दुखी होते जाते हैं। सुख और दुख तेरी छाया, सुख और दुख तेरी छाया, पल पल में पलटाए, पल पल में पलटाए। सुख और दुख तेरी छाया, सुख और दुख तेरी
पल पल में ढलता है। रंग बदलता जाए जीवन, रंग बदलता जाए। राजा दशरथ रो रहे हैं। रोते हुए राजा दशरथ के हृदय में यह चिंता नहीं है राम को वनवास होगा। राजा दशरथ अपने मन में एक ही चिंता लेकर बैठे हैं कि मैं मेरी सीता को क्या जवाब दूंगा। राम वन में चले जाएंगे, सीता कुछ नहीं बोलेगी। राम के विरह में 14 साल तक महल में रहेगी, क्योंकि जनक की पुत्री है, विदेह राज की पुत्री है, मेरी पुत्र वधु है। सीता कभी भी मुझसे शिकायत नहीं करेगी। और राम का विरह सताएगा, राम के विरह में किसी कोने में बैठकर रो लेगी। और जब मैं सीता के पास जाऊंगा और सीता को पूछूंगा, वैदेही बेटा, बेटा क्यों रो रही हो, क्या हो रहा है, तब वो मुझे इतना ही पूछेगी, पिताजी अब 14 वर्ष में कितने दिन बाकी है। तब मैं वैदेही को क्या जवाब दूंगा, इससे तो अच्छा है मेरी मृत्यु आ जाए। राजा रात भर सोचते हुए दुखी हो रहे हैं, बार बार कैकेयी को मना रहे हैं, कैकेयी मानने को तैयार नहीं है। बाहर सुबह हो गई, सूर्य उदयाचल में आने लगा, समस्त प्रजा आज अवधेश के द्वार पर आकर जय जयकार कर रही है। राम राजा बनने वाले हैं, सब लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर आए हैं, राजा दशरथ के महल के सामने खड़े हैं। सब लोगों के मन में एक ही प्रश्न हो रहा है कि आज राजा दशरथ को अपने महल के बाहर निकलने में इतनी देरी क्यों लग रही है। पिछले प्रहर नृप नीत उजागा, कल तो राजा समय से जग गए थे, आज राजा को समय से जल्दी जगना चाहिए, तो आज इतनी देरी क्यों हो रही है। समस्त प्रजाओं ने मिलकर सुमंत्र जी को बुलाया, सुमंत्र जी आप जाइए, देखिए क्या हो रहा है। सुमंत्र जी गए हैं। रास्ते में मंत्रा मिली, मंत्रा को पूछा सुमंत्र जी ने, राजा कहां है। महाराज कोप भवन में है। यह सुनकर सुमंत्र जी सहम गए। सुमंत्र जी ने देखा, कोप भवन में पहुंच गए, सुमंत्र जी ने देखा राजा दशरथ मूर्छित होकर देवी कैकेयी के चरणों में गिरे हुए हैं। और राजा दशरथ के मुख से राम 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 शब्द निकल रहे हैं, राम राम की ध्वनि निकल रही है। सुमंत्र जी दौड़कर राजा के पास चले गए। राजन ये क्या हो गया, ये कैसी स्थिति, ये कौन सी अवस्था है। तब राजा दशरथ रोते हुए सुमंत्र जी को कहते हैं, सुमंत्र तुम कहते थे ना मैं बहुत भाग्यशाली हूं। सुमंत्र, अयोध्या में रहने वाली सारी प्रजा कहती थी दशरथ बहुत भाग्यशाली है। सुमंत्र लेकिन आज मुझे पता चला, मैंने और कैकेयी ने, कौशल्या ने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए होंगे। सुमंत्र आज मेरी अयोध्या लूट गई। सुमंत्र आज मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। निश्चित सुमंत्र मैंने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए थे। नृपति कहे आगत जन्मो ना, नृपति कहे आगत जन्मो ना, प्रगट्या मारा पाप, आजे बधा प्रगट्या मारा पाप। गुरु दुभाव्या हशे, गायो ने मारी हशे, गुरु दुभाव्या हशे, गायो ने मारी हशे, मारा हशे माने बाप, डूंगरडे में दाम लगाड्यो।
एने मारो खेल बगाड़ियो। सुमंत्र डूंगर डे में डाम लगाड़ियो, एने मारो खेल बगाड़ियो। सुमंत्र आज मेरी बनाई हुई खेती को कई कई ने उजाड़ दिया। सुमंत्र आज मेरे मन रूपी बगीचे को कई कई ने उजाड़ दिया। सुमंत्र महाराज क्या हुआ? सुमंत्र आज मैं लूट गया, आज मेरी अयोध्या बर्बाद हो गई। इतना कह के राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर गए। मूर्छित अवस्था आ गई, जगाने का प्रयास, राजन जग नहीं रहे हैं। तब सुमंत्र जी कैकेयी के पास गए। रानी आप बताइए क्या हुआ? कैकेयी कठोर हृदय करके खड़ी है। रानी ने कहा इसका जवाब मैं राम के सामने दूंगी, राम को बुलाओ। सुमंत्र जी तुरंत गए। जैसे ही अवध राजा दशरथ के महल से बाहर निकले, सारी प्रजा पूछने लगी सुमंत्र जी अंदर क्या हो रहा है। कुछ नहीं बोल पाए सुमंत्र जी, दौड़कर भगवान श्री रामचंद्र के घर पर। भगवान श्री रामचंद्र पूजा कर रहे हैं, देवी सीता ने द्वार खोला है। ओ पिताजी आप, देवी सीता ने दंडवत प्रणाम किया, सुमंत्र जी ने आशीर्वाद दिया। सुमंत्र जी तुरंत राम के पास गए। राम तुम्हें अभी और इसी वक्त कैकेयी ने बुलाया है। भगवान श्री रामचंद्र पूजा का वस्त्र पहनकर बैठे थे, उन्होंने वस्त्र नहीं बदले, पूजा के वस्त्र में ही प्रभु वहां से निकल गए। सुमंत्र जी के साथ जा रहे हैं। आज सारी प्रजा के मन में अनेकों शंकाएं उठ रही हैं, अंदर क्या हो रहा होगा। और आज राम को राज तिलक है, आज तो बहुत सुंदर वस्त्र पहनकर सज धजना चाहिए। इस वस्त्र में राम कहां जा रहे हैं, क्या हुआ है? भगवान श्री रामचंद्र गए, पिताजी को मूर्छित होकर देखा। भगवान राम पिताजी के पास चले गए। पिताजी पिताजी बताइए आपको क्या हुआ? मैं आपका पुत्र हूं, मैं जीवित हूं, आप जो कहे मैं करने के लिए तैयार हूं, परंतु आप जैसे मेरे पिताजी इस प्रकार से इस अवस्था में गिरे हुए हैं, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। पिताजी बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? जब राजा दशरथ कुछ नहीं बोल पाए, क्या बोले अपने पुत्र को, तब भगवान श्री रामचंद्र कैकेयी के पास गए। बोले मां तू तो मुझे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती है ना, मां मैं तुझे कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम करती हूं। मां तू मेरी जननी है, बता मां। पिताजी नहीं बोल पा रहे हैं, तू बता क्या हुआ है यहां पर, पिताजी इस स्थिति में क्यों बैठे हैं? कैकेयी ने सारी बात बताई। दो वरदान, प्रथम वरदान राम आज तुझे राजा नहीं बनना है, आज भरत को राजा बनना है। राम तो प्रसन्न हो गए, बोले ये तो मैं चाहता था, मुझे राजा बनाया गया मैं अफसोस कर रहा था, मैं मेरे भाई भरत को ही राजा बनाना चाहता था, भरत ही राजा बनेगा, बता मां दूसरा वर क्या है? राम 14 वर्ष के लिए तुझे वन में जाना है। बस बस इतनी सी बात के लिए पिताजी इस स्थिति में आ गए? अरे मां वास्तव में आज तू मेरी, रामचंद्र ने कैकेयी को 3 बार जननी कह दिया। यद्यपि देखा जाए तो संस्कृत के अनुसार शास्त्र दोष माना जाएगा, क्योंकि जननी तो जन्म देने वाले को ही कहा जाता है, परंतु भगवान श्री रामचंद्र ने जननी कह के कैकेयी को यह भाव बता दिया कि कैकेयी कौशल्या ने तो अयोध्या के राजा को जन्म दिया, परंतु मां आज तूने मुझे, आज तूने इस दुनिया को राम राज्य का जन्म करवाया, आज यह वर मांगकर तूने दुनिया को राम राज्य प्रदान किया है, अतः आज तू मेरी जननी है। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं,
कि तुम्हारे इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। मां आज मैं धन्य हूं। पिताजी को मना रहे, पिताजी आप चिंता मत करो, 14 साल तो 14 मिनट की तरह मैं आ जाऊंगा। और पिताजी मैं तो चाहता था वन में जाऊं, मुनियों को मिलूं, साधु संतों का संग करूं, ये तो मेरी इच्छा थी पिताजी। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, आप चिंता ना करें। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र पिताजी के चरणों में प्रणाम किए, प्रणाम करके तुरंत अपनी मां कौशल्या के पास गए। कौशल्या भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रही है, हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी है, और उस समय पूजा के वस्त्र को देखकर कौशल्या ने कहा, बेटा बेटा तू तैयार नहीं हुआ, आज तेरा राज्याभिषेक है। भगवान श्री रामचंद्र अपनी कोमल भाषा में कहते हैं, मां मां मेरे पिताजी आज मुझ पर बहुत प्रसन्न हो गए, मेरे पिताजी आज मुझ पर बहुत प्रसन्न हो गए। मां आज तक तो मेरे पिताजी ने मुझे मात्र अयोध्या का राजा बनाया था, लेकिन मां आज तो मेरे पिताजी ने मुझे पूरे जंगल का फॉरेस्ट मंत्री बना दिया है। पिता दीन मोहे कानन राजू। देखिए अपनी वाणी को, अपनी भाषा को कैसी रखनी चाहिए, भगवान राम से सीखना चाहिए। चाहे तो यह भी कर सकते थे, कैकेयी ने वनवास दे दिया, बहुत बुरा किया, परंतु यह नहीं कहा, पिता दीन मोहे कानन राजू। इतना सुनते ही कैकेयी कौशल्या जी के हाथ से थाली गिर गई, बोले मैं तेरे पिता को मनाऊंगी, तू वन में कभी नहीं जाएगा, मैं तेरे पिता को मनाऊंगी। उसी समय सुमंत्र जी आए और वास्तविक सारी बात बताई। तब कैकेयी ने कहा, बेटा यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो मैं तेरे पिता को मना लूंगी, तुझे वन में नहीं जाना है, परंतु यदि मां ने और पिताजी ने मिलकर तुझे आज्ञा दी है तो बेटा तुम वन में जाओ, वन में जाना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, तुम वन में जाओ। यदि मां ने कहा है, देखिए अपनी सौत के प्रति भी कितनी सद्भावना है, दोनों ने मिलकर निर्णय लिया है तो जाओ। परंतु बेटा तुम्हारे चरणों में एक निवेदन करती हूं कि तुम 14 वर्ष के लिए वन में जाओ, साथ साथ मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। बेटा मैं तुझे वादा करती हूं, तेरे सिर पर बोझ नहीं बनूंगी, तेरी सेवा करूंगी, तुझे भोजन कराऊंगी, तू थक जाएगा तो तेरा मस्तक दबाऊंगी, चरण दबाऊंगी, लेकिन बेटा तेरे विरह में मैं यहां अकेली नहीं रह सकती हूं, मुझे साथ में लेकर जा। भगवान राम अपनी मां को मना रहे हैं, उसी समय देवी सीता को पता चला, सीता दौड़ते हुए आई, प्रभु आप वन में जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोले यहां पर माता पिता अकेले हैं, उनकी सेवा करना। सीता जी, भगवान श्री रामचंद्र ने कहा जंगल में कंकर पत्थर कांटे होते हैं, हिंसक पशु होते हैं, ऋतु बदलती है, तब भोजन करने के लिए अन्न भी नहीं मिलता है, बहुत कष्ट है वन में। देवी सीता कह रही है, प्रभु आपने जो जो कष्ट बताया ना, मेरे लिए कोई कष्ट नहीं है, लेकिन आज मेरे जीवन में सबसे बड़ा कष्ट ये है कि मेरे सास के सामने मैं मेरे पति को कुछ कहने जा रही हूं। देखिए सीता को उस दिन सबसे बड़ा कष्ट क्या था, राम को वनवास मिला ये कष्ट नहीं था, वन में जाकर दुख भुगतना था ये कष्ट नहीं था। गोस्वामी जी कहते हैं सीता ने कहा, आज मेरी सास के सामने मेरे पति को कुछ निवेदन करना कर रही हूं, ये मुझे सबसे बड़ा कष्ट लग रहा है। और आज की बहू, धिक्कार है उस बहू को कि सास ससुर के सामने अपने पति को डांटती रहती है, पति की निंदा करती है। एक आदर्श नारी देवी सीता सिखा रही है। दोनों हाथ जोड़कर अपने पति से अंत में इतना ही कहती है, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही मोते अधिक दुख कछु नाही, जीव बिनु देह नदी बिनु वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी।
जैसे पानी के बिना नदी कुछ काम की नहीं रहती है, उसी प्रकार है नाथ, जैसे प्राण के बिना यह शरीर कुछ काम का नहीं रहता है, वैसे पति के बिना पत्नी कुछ काम की नहीं रहती है नाथ। यदि आपको मुझे अयोध्या में छोड़कर जाना है, जाओ, क्योंकि आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकती हूं, लेकिन इतना सोचो कि क्या 14 साल के लिए मैं आपके विरह में जीवित रह पाऊंगी, और यदि मैं आपके साथ नहीं आऊंगी तो मेरे पिता जनक और मेरी माँ आत्महत्या करके मर जाएंगे कि मेरी बेटी के जीवन में जब दुख आया तब दुख से मुंह मोड़ लिया, मेरे पिताजी जी नहीं पाएंगे। अतः है नाथ, आप मुझे मेरे साथ ले चलिए। माता की आज्ञा से पत्नी को साथ में लिया। उसी समय लखनलाल अनंत शेष के अवतार क्रोधित होकर आए, भैया क्या हुआ, किसने तुम्हें वन दिया है? जिस व्यक्ति ने तुम्हें वन में भेजने के लिए आदेश दिया मैं उसे मार डालूंगा, आज उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। राम लक्ष्मण को बहुत डांटे, लखन आज के बाद तुम मुझे भाई मत कहना, तुम नहीं जानते हो पिताजी कितने धर्म संकट में फंसे हैं, एक और उनका प्रण है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, एक और उनका प्रण है और एक और उनका पुत्र प्रेम, आज धर्म संकट में फंसे ऐसे पिताजी को मदद करनी चाहिए, तुम मारने की बात कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने क्षमा याचना की, परंतु प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, बहुत ना करने पर भी नहीं माने। तब राम ने कहा जाओ अपनी मां से आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण गए अपनी मां सुमित्रा के पास, कदम कदम पर करोड़ों पर्वत का भार लग रहा है, मां यदि ना कह देगी तो। जैसे ही लक्ष्मण सुमित्रा जी के पास गए, मां मैं आपसे एक आज्ञा लेने आया हूं। बोलो क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा चाहते हो? मां सुमित्रा को तो यह बात पता ही नहीं थी, लक्ष्मण जी ने बताई, मां भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं, तो क्या मैं उनके साथ उनकी सेवा करने के लिए जाऊं? गोस्वामी जी कहते हैं पहले तो सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को बहुत डांटा, लखन राम 14 साल के लिए वन में जा रहे हैं और उनकी सेवा करनी, उनके साथ जाना है, वो पूछने के लिए तू मेरे पास आया? अरे तुझे वहीं से ही राम के साथ चला जाना चाहिए था, इसमें मुझे पूछने की क्या आवश्यकता है? आज से तेरी अयोध्या वहीं पर है जहां तेरा भाई राम है। सुमित्रा जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि बेटा इस संसार में तेरी मां सुमित्रा नहीं, तेरे पिता दशरथ नहीं, आज के बाद तेरी मां वैदेही सीता है और तेरे पिता भगवान राम है, और ऐसी सेवा करना कि 14 साल के लिए एक पल के लिए भी राम को अयोध्या की याद ना आए। सुमित्रा जी ने तो हाथ में धनुष लिया और लखन को पहनाया, लखन इस धनुष से राम और सीता की सेवा करना, एक पल के लिए भी उनसे विलग मत होना। लक्ष्मण ने कहा माता तुम्हारी आज्ञा है कि मैं उनकी सेवा करूं, यदि तुम जो कह रहे हो उस प्रकार से मुझे राम की सेवा करनी है तो मुझे मेरी निद्रा को वश में करना होगा, क्योंकि आपने कहा कि स्वप्न में भी राम की सेवा मत छोड़ना, यदि मुझे नींद आ जाए और स्वप्न में राम की सेवा छूट जाए तो। अतः हे माते आपके चरणों में आशीर्वाद लेकर आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 14 साल के लिए मैं कभी भी नहीं सोऊंगा। प्रतिज्ञा ले ली लखनलाल और माता के चरणों में निवेदन करके आशीर्वाद लेकर, बाहर से मां कठोर बन रही है लेकिन अंदर से सुमित्रा के हृदय में दुख हो रहा है, रोते हुए अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही है, जाओ बेटा राम की सेवा करना, और आज तक मैं ये नहीं मानती थी कि मेरा कोई पुत्र है, लेकिन आज मेरा पुत्र राम की सेवा करने के लिए जा रहा है, इसलिए आज मैं पुत्र वाली हो गई, आज मैं जगत को कह सकती हूं कि मैं पुत्र वाली हूं। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जातु सीत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई,
रघुपति भगत। इस संसार में वही माँ माँ है जो अपने पुत्र को भगवान की सेवा में भेजे। आज तो कुछ पुत्र भगवान की सेवा करना चाहते हैं और माँ बाप उन पुत्रों को रोकते हैं। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्र को उपदेश देते हुए कहते हैं कि वह माँ माँ नहीं है, वह पुत्र, वह पिता पिता नहीं, वह गुरु गुरु नहीं, जो माँ जो पिता अपने पुत्र को भगवान के शरण में न भेजे। वही माँ माँ है जो अपने पुत्र को भक्ति सिखाए, भगवान के चरणों में भेजे। बेटा आज मैं पुत्र वाली हो गई, और बेटा तू ऐसा मत सोचना कि राम को कैकेयी ने वनवास दिया है, राम अपने कर्म का फल भोगत रहा है। बेटा आज राम इसलिए वन में जा रहे हैं क्योंकि तेरे सौभाग्य के द्वार खुलने जा रहे हैं। राम को वन में जाने का और कोई कारण नहीं, मात्र तुम्हें सौभाग्य प्रदान करने के लिए, तुम्हारी कीर्ति बढ़ाने के लिए राम वन में जा रहे हैं। अतः राम की सेवा करना, इस प्रकार से सुमित्रा ने आशीर्वाद दिया। राम लक्ष्मण जानकी तीनों तैयार हुए। आज सारी अवध राम लक्ष्मण जानकी को विदा कर रही है। अयोध्या के रहने वाले छोटे बड़े सब लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ वन में चलेंगे। दशरथ जी ने सुमंत्र जी को भेजा, जाओ सुमंत्र, राम मानेगा नहीं, 5-6 दिन उसे घुमाकर वापस लेकर आना। अयोध्या के लोग उस रथ के रास्ते में सो गए, रथ को पकड़ लिए, रथ धीरे धीरे आगे चला। सारी प्रजा भगवान श्री रामचंद्र के साथ प्रथम पड़ाव तमसा नदी के तट पर हुआ, सारी प्रजा वहां पर सो गई। भगवान श्री रामचंद्र रात को 2 बजे जगे, लक्ष्मण और सीता को जगाया, सुमंत्र जी को जगाया, और सबको रथ में बिठाकर भगवान श्री रामचंद्र ने आदेश दिया, सुमंत्र जी यहां से रथ को भगाओ। तमसा नदी के तट पर सारी अयोध्या की प्रजा को छोड़कर भगवान श्री रामचंद्र चले गए। गोस्वामी जी ने प्रश्न उठाया, क्या उस अयोध्या वासियों का प्रेम कम था? क्या प्रेम में कुछ कमी थी कि भगवान उनको छोड़कर चले गए? गोस्वामी जी कहते हैं हां, यदि भगवान को प्राप्त करना है तो व्यक्ति को अपनी निद्रा को वश में करना होगा। एक रात के लिए सो गए, भगवान उसे छोड़कर चले गए। इस संसार में हम मात्र सोते रहेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए निद्रा को वश में करना होगा। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। निद्रा को वश में करेंगे तो भगवान मिलेंगे। तमसा नदी के तट पर सो गए, भगवान रामचंद्र छोड़कर चले गए। गंगा के तट पर पहुंचे, श्रृंगवेरपुर नगरी आई, निषादों की नगरी, भील की नगरी, और उस नगरी का राजा निषाद राज गुह स्वागत किया। गंगा के तट पर रुके हैं, भगवान श्री रामचंद्र को गंगा के तट पर रुकाते हैं। कल केवट प्रसंग और जो भी प्रसंग है कल आएंगे, और फिर परसों इस कथा का अंतिम दिन है, रावण का वध अवश्य होगा, चिंता मत कीजिए। अब भगवान को कितना आगे बढ़ाना कथाकारों के हाथ में होता है। 1 घंटे में भी वनवास दे सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगती है वनवास देने में, परंतु यह प्रसंग इतना विस्तृत रूप से है, विस्तार से है, इन प्रसंगों को मर्म से गहराई से समझना। गीता में कृष्ण ने कहा है तत्व से किसी भी बात को समझना चाहिए, और जब हम तत्व से भगवान को समझते हैं तब भगवान की प्राप्ति निश्चित होती है। हमारा यह प्रयास रहा इन प्रसंगों को आप गहराई से समझो, इसलिए धीरे धीरे देरी होती गई, परंतु निश्चिंत रहे कल 2 दिन में हम सारी रामायण को समाप्त करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की।